आज बसपा पार्टी छोड़कर कई पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे समाजवादी की ज्वाइनिंग। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जिले की समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज जिला पंचायत के सदस्य रहे विजयपाल सिंह को चुनाव लड़ने के बाद भारी मतों से जीत हासिल की थी, जिसके बाद आज उन्होंने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी थी, जिसको देख समाजवादी ने सरकार में जो जितना विकास और वादा किया था उसको देखते हुए कई पदाधिकारियों ने बसपा पार्टी छोड़कर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनके साथ साथ सेक्टर प्रभारी दिलावर सिंह, करतार सिंह, हिमांशु, कृष्णपाल सहित कई कार्यकर्ता पहुंचे समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग। तो वही संभल से जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी सहित तमाम कार्यकर्ता के साथ पहुंचे समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने सभी कार्यकर्ताओं का अपनी पार्टी में आने के बाद सभी का तालियों के साथ एवं फूलों की माला पहनाकर उन सभी का स्वागत किया और सभी से तहे दिल से समाजवादी पार्टी के लिए काम करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों के अनुसार चलने की भी कामना की। तो बसपा पार्टी छोड़कर पहुंचे समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग के बाद सभी ने तहे दिल से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनकी जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आज देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं भाई विजय सिंह जी, जो जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे और भारी वोट इन्हें मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे, कुछ ही वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था उससे हार गए, पर उसके बावजूद भी ये समाजवादी पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जितना विकास समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर हुआ था उस समय के को देखते हुए समाजवादी पार्टी की नीतियों से और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रभावित होकर बसपा छोड़कर अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। इनके साथ दिलावर सिंह हैं जो सेक्टर प्रभारी हैं, करतार सिंह जी हैं, हिमांशु सिंह हैं, कृष्णपाल हैं और बहुत तमाम हमारे साथी हैं। हमारे असगर अली अंसारी साहब जो संभल से जिला अध्यक्ष हैं, इनके बहनोई वहाँ से जिला पंचायत सदस्य बने हैं आवी के पार्ट से। हमारे पूर्व विधायक चौधरी समरपाल सिंह जी का काफ़ी प्रयास है, उनके भी नज़दीकी थे, और डी पी यादव जी, जुगल किशोर वाल्मीकि जी और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के सारे आज जो समाजवादी पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुए हैं, तो ये जो पदाधिकारी हैं कम से कम 15 पदाधिकारी हैं जो बसपा छोड़कर आए हैं, पर इनके साथ जो हैं सैकड़ों की संख्या में तमाम क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं और उच्च पदों पर रहे हैं, बसपा के मंडल प्रभारी रहे हैं ये विजय सिंह। तो इनके साथ काफ़ी लोगों ने आज बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं इस अवसर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के परिवार की तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से भाई विजय सिंह जी का, दिलावर सिंह जी का, प्रदीप सिंह जी का और सभी इनके साथियों का समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक बधाई देता हूं और मैं इन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक सब लोग इनके साथ हैं और पूरी निष्ठा के साथ ये समाजवादी पार्टी में आज ज्वाइन करी है इन्होंने, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आगामी विधानसभा में इनके आने से हमें लाभ मिलेगा, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इनको समाजवादी पार्टी परिवार में शामिल होने पर उन्हें एक बार दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और सभी समाजवादी पार्टी के हमारे पदाधिकारी इनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में जिला प्रभारी था और हमारे पिताजी के टाइम से हम लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हुए थे, तो हम भी उसी में चलते रहे, लेकिन इस बार जो है अब जिला पंचायत चुनाव में आकर थोड़ा कुछ नाराज़गी रही और उसके बाद फिर हम चुनाव भी लड़े, पार्टी से के खिलाफ भी लड़े बसपा के, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन ये मन बना लिया था कि अब जो है समाजवादी पार्टी में ही रहना है। आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी नीतियों से काफ़ी प्रभावित हुए और आगे के लिए भी तन मन धन से जो भी होगा मेहनत करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। आज कम से कम 15-20 लोग तो साथ ही आए और बाकी तो गांव क्षेत्र में ऐसा ना लॉकडाउन का भी और थोड़ा कोरोना का भी ध्यान रखते हुए गाइडलाइन का पालन करते हुए कम ही लोगों को हम साथ लेकर गए हैं।
नहीं, वजह तो चलो खैर होती है, यहाँ पर हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि आज से समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन कर ली है। कारण तो खैर चलते रहते हैं। हाँ बस अब बताया मैंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों से काफ़ी प्रभावित हैं, लोगों का जुड़ाव है, इसलिए हम भी जो है इसी में शामिल हो गए और आगे के लिए समाजवादी पार्टी में काम करने का मन है।